विदिशा के पठारी में हिंदू उत्सव समिति ने पारंपरिक तरीके से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई। प्रातःकाल मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। श्री राधा कृष्ण पोद्दार मंदिर में विशेष पूजन और अनुष्ठान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। श्री राधा कृष्ण पोद्दार मंदिर से भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि श्री बड़ी माता मंदिर, श्री राम जानकी साहू समाज मंदिर, श्री हरछठ माता मंदिर, संजयनगर, श्री करेली धाम, तालाब रोड, पठारी गांधी चौक, सारंगा मोहल्ला, छोटी माता मंदिर, मुख्य बाजार, श्री राम जानकी राज मंदिर, बस स्टैंड होते हुए श्री बड़ी माता मंदिर प्रांगण में समापन हुई। इस दौरान जगह जगह दही मटकी बांधी गई, जिसे ग्वालों की टोलियों ने तोड़ी। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह और उमंग नजर आई। कई श्रद्धालुओं को वासुदेव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने श्री बाल कृष्ण को सिर पर धारण कर नगर भ्रमण कराया। भगवान श्री कृष्ण की जगह जगह आरती उतार कर पूजा अर्चना की गई। वहीं श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। दही मटकी फोड़ते समय कुछ युवाओं को मामूली चोटें भी आई, जो उत्साह और उमंग के आगे बौने नजर आए। इस दौरान पुलिस प्रशासन और हिंदू उत्सव समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सजग नजर आए। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष राजेश रिछारिया, शैलेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर, सेतु यादव, हरिनेश यादव, मनोज रिछारिया, रमेश रिछारिया, जसवंत सिंह यादव, राज किशोर सिंह ठाकुर, पिंटू पंथी, अमित भूषण शर्मा, सरित श्रीवास्तव, भानु महाराज सहित काफी लोग उपस्थित रहे। विदिशा पठारी से हमारी रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज।